मेरे प्रियो, जब मरियम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तब वो स्वर्गदूत से कहने लगी, ये कैसे होगा? आज यही सवाल लोग हमसे पूछते हैं, ये कैसे होगा? आज प्रातः काल के समय में आपके लिए एक वचन पढ़ूंगी, मत्ती रीति सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 26 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, हम उसके संतान हैं, तो उसके द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह जब आते हैं सब कुछ हमारे जीवन में होता है। लोग हमसे पूछेंगे ये कैसे होगा, लोग हमसे पूछेंगे तुम्हारा घर का पूरा निर्माण कब खत्म होगा, तुम्हारा नया घर कब बनेगा, तुम्हारे नाम का घर कब आएगा, तुम्हारे बच्चों की शादी अच्छे खानदान में कब होएगी, तुम्हारा बच्चों का भविष्य कैसे होगा। सारे क्वेश्चंस, सारी बातें हमसे पूछेंगे। उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसकी हम सेवा करते हैं, उसकी संतान है हम, हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, वो हमें उत्तम घर देगा, उत्तम चीजें देगा, हमारे बच्चों का भविष्य वो बहुत अच्छा से करेगा, हमारे बच्चों के जीवन में अच्छा रिश्ता लेके आएगा, हमारा परिवार अच्छा खुशी से परमेश्वर की सेवा करते हुए आनंद करते हुए आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें।